पद्म विभूषण जामिनी रॉय केवल नाम ही काफी है। भारत के महान कलाकार जिनकी एक प्रदर्शनी दिल्ली में एक लंबे अरसे बाद आयोजित की गई। जामिनी रॉय जाने जाते हैं अपने खास पेंटिंग्स जिंदगी को बड़े ही सिंपल अंदाज में कैनवस पर उतारने के लिए। जामिनी रॉय भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे। वे 20वीं शताब्दी की भारतीय कला के प्रारंभिक और अति महत्वपूर्ण आधुनिकतावादी उन कलाकारों में से थे जिन्होंने अपने समय की कला परंपराओं से अलग एक नई शैली स्थापित करने में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। लगभग 60 वर्षों के उनके कला कार्य की अवधि में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए जिससे दृश्य भाषा की प्रस्तुति में उनकी प्रतिभा का पता चलता है। इट इज ब्यूटिफुल टू डिस्कवर इंडियाज फर्स्ट मॉडर्निस्ट एंड टू डिस्कवर 50 ड्रॉइंग्स दैट हैव नेवर बीन शोन बिफोर। As a curator, when I do research, I am looking at Jamini Roy the artist, I am looking at Jamini Roy the humanist, I am looking at Jamini Roy who was a universal human being because he chose the marginalized Santal people as his subjects. He chose women only in the forms of devotees. Or as mother and child, or as Sita, or as mother Mary. जैमिनी रॉय अपनी निर्भीक रचनाओं में चटखिली रेखाओं, सपाट रंगों, जिसकी प्रेरणा परंपरागत लोक कला से मिली, इसके लिए विख्यात चित्रकार थे। 20वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में चित्रकारी की ब्रिटिश शैली में प्रशिक्षित जैमिनी रॉय प्रख्यात सिद्धहस्त चित्रकार बने। जैमिनी रॉय जी का जो है वो जो ट्राइबल और फोक आर्ट का एलिमेंट है या जो इसमें अर्दन कलर्स हैं और जो जितना भी है नायका और कृष्ण बलराम एंड ऑल दीज ऑल दीज फिगर्स एंड ऑल दीज व्हेन यू सी इट ऑल रियली गिव्स यू ऑल द ओल्ड क्लासिक फीलिंग। जैमिनी रॉय ने शिक्षा ग्रहण की अवधि में जो कला शैली सीखी थी उसे उन्होंने छोड़ दिया। 1920 के बाद के कुछ वर्षों में उन्हें कला के ऐसे नए रूपों की तलाश थी जो उनके दिल को छूते थे। इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के स्रोतों जैसे पूर्व एशियाई लेखन शैली, पक्की मिट्टी से बने मंदिरों की कला वल्लरियों, लोक कलाओं की वस्तुओं और शिल्प परंपराओं आदि से प्रेरणा ली। 1920 के बाद के वर्षों में जैमिनी रॉय ने ग्रामीण दृश्यों और लोगों की खुशियों को प्रकट करने वाले चित्र बनाए। इस महान चित्रकार का निधन 24 अप्रैल 1972 को कोलकाता में हुआ। जया सिन्हा की रिपोर्ट, रंग तरंग, डीडी न्यूज़।